हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं इस अमेजिंग वॉच रिपेयर टूल किट की, जिससे आप घर पे बैठे अपने वॉच की बैटरी चेंज कर सकते हो, मेटल ब्रेसलेट्स को एडजस्ट कर सकते हो, स्ट्रैप्स चेंज कर सकते हो, बेसिकली पूरे वॉच को डिसअसेंबल कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ छोटा मोटा मेंटेनेंस। ये टूल किट इजिली अमेजोन पे मिल जाता है कुछ हजार रुपए में। टोटली इसमें 16 डिफरेंट टूल्स है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हर एक टूल को सेफली यूज करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, वेलकम बैक टू वॉच एनर्जी, जहाँ पे सिर्फ वॉचेस की बातें होती है। तो ये टूल किट इस पाउच में आता है, बहुत स्टर्डी केस है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस किट में क्या क्या टूल्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस केसबैक नाइफ की। इससे आप फ्लैट एंड केसबैक्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक वॉच के केसबैक को खोला था, बट अब बंद नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अच्छे वाले वॉच से एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, पहले किसी पुराने खराब वॉच से ना शुरू करिए प्रैक्टिस करना। ये है जी बेजल ओपनर। इस टूल को हम यूज करते हैं डाइवर वॉचेस में, जिनमें बेजल इंसर्ट होती है। इस तरह से पुश करने से बेजल इंसर्ट निकल जाएगा, बट अगेन डोंट ट्राई एट होम। नेक्स्ट ये हैमर विथ टू एंड्स, एक साइड सॉफ्ट व्हाइट वाला नायलॉन एंड और दूसरे साइड हार्ड मेटल एंड। इस हैमर को यूज किया जाता है फॉर हैमरिंग पंचेस एंड पिंस ऑन ब्रासलेट्स। वॉचेस डेलिकेट होती है, इनमें आप नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में मिलने वाले हथौड़े स्क्रू ड्राइवर को यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए छोटे हैमर्स। पेयर ऑफ ट्वीजर्स, इसे आप माइनर छोटे छोटे वॉच पार्ट्स को पिक कर सकते हैं। ये है जी एक स्पेशल टूल केस बैक ओपनर। इसमें बेसिकली एडजस्टेबल रेंज वाली फिलोसफी है। इन तीन पॉइंट्स पे बिट्स को लगाना होता है जो इस डब्बे में आते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको एक वॉच के केस बैक को खोल कर दिखाने वाला हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। इसको ब्लॉक कहते हैं। इस पे आप वॉच को रखकर स्ट्रैप के लिंक्स को खोल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये वॉच केस होल्डर है। इस पे आप वॉच डायल को प्लेस करके इस लीवर को एडजस्ट करना होता है। इससे आपको एक अच्छी ग्रिप मिलती है वॉच पे काम करने के लिए। ये है ब्रेसलेट लिंक रिमूवर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल स्प्रिंग बार टूल। इससे आप अपने वॉच के स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं इजीली, बिना केस को स्क्रैच किए। ये तीन छोटे स्क्रूड्राइवर्स ब्लू, ब्लैक एंड येलो कलर कोडिंग के साथ। इसमें अच्छी चीज है, ये रोटेटेबल है, यानी इसके हेड पे एक फिंगर से सपोर्ट रखकर दूसरे फिंगर से स्क्रूड्राइवर चला सकते हैं, काम आसान हो जाता है। लास्ट में ये तीन पंचेस, जिनको यूज किया जाता है एज अ पंच टू एक्सट्रैक्ट लिंक्स ऑफ ब्रासलेट्स। तो अब हम इस टाइमेक्स वॉच के बैटरी को चेंज करेंगे, और उसके लिए इस वॉच के केसबैक को खोलना पड़ेगा। और केसबैक को खोलने के लिए हमको चाहिए एक स्पेशल टूल, ये 3 पॉइंट केसबैक ओपनर, जो इस टूल किट के साथ आता है। तो चलिए कैसे खोलना है देखते हैं। बट रिमेम्बर, डू नॉट पुट द वॉच फेस डाउन ऑन एनी सरफेस, वरना ग्लास पे स्क्रैचेस आएंगे। इसलिए हम यूज करेंगे इस केस होल्डर को। वॉच को इसको फेस डाउन प्लेस करिए और इस लीवर को एडजस्ट करिए। आप नोटिस करोगे केस होल्डर पे यहाँ ग्रू दिया हुआ है, सो दैट वॉच का क्राउन टच ना हो। तो वॉच अब फिक्स हो गया है। अब इस केस बैक ओपनर में हमें इन बिट्स को डालना है। बिट साइज डिपेंड करता है बेस्ड ऑन आपके केस बैक पे नॉच कितना बड़ा है। नॉर्मली ये छोटे वाले बिट्स ही यूज होते हैं। अब बस पोजीशन को सेट करो इस व्हील को एडजस्ट करके, एंड देयर वी गो, टर्न अराउंड एंड केस बैक इज लूज। सो ये वाइट प्लास्टिक जो दिख रहा है ऊपर, ये मोमेंट सपोर्ट के लिए दिया है। इसको ट्वीजर से निकालते हैं। सो हियर वी हैव अ क्वार्ट्ज मोमेंट, इट्स अ मियोटा मोमेंट एज यूजुअल। टाइमेक्स में जनरली मियोटा मोमेंट से यूज होता है। आपने ध्यान रखना है कि बाय मिस्टेक इस ट्वीजर से इस रेड वाले कॉइल को टच नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। अब इस बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लीवर है, इसको प्रेस करने से बैटरी रिलीज हो जाएगी। याद रखिए, बैटरी हमेशा सेम मॉडल नंबर वाली होनी चाहिए, वरना बैटरी की डायमेंशन जो है ना, आपके वॉच से मैच नहीं करेगा। नए बैटरी को डाल देते हैं। बस पोजिशन पे रख के धीरे से पुश करना है, एंड इट्स डन। इस केसबैक को फिर से लगा देते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इस टूल किट का, ब्रेसलेट एडजस्टमेंट। मैं घर पे ही ब्रेसलेट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, मेरे पास इतने सारे लिंक्स पड़े हुए हैं मेटल ब्रेसलेट्स के, क्योंकि मैं इस टूल से एडजस्ट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले एक मेटल ब्रेसलेट वाला वॉच लेते हैं। इस ब्रेसलेट के लिंक्स को देखिए, छोटे छोटे स्लॉट्स हैं जिनमें पिंस दिए हुए हैं। हमें इन पिंस को बाहर निकालना है, जिससे ब्रेसलेट का लिंक निकल जाएगा। और इन लिंक्स पे एरो मार्क से डायरेक्शन दिया होता है, जिस डायरेक्शन में आपने पिन को रिलीज करना है। अब हम इस ब्रेसलेट को ब्लॉक पे पोजिशन करेंगे। इस पंच को लेंगे जिसमें राउंड एंड है, और इन ब्रेसलेट लिंक पे जो स्लॉट्स है उन पे रखकर इस हैमर के मेटल वाले एंड से पंच करेंगे। अब ये पिन निकल चुका है और आपका ब्रेसलेट ओपन हो गया है। अब आप अपने हिसाब से जितने भी लिंक्स चाहिए निकाल सकते हैं। दोबारा लिंक्स अटैच करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, पिन को दोबारा से इंसर्ट करना है। अच्छा, स्प्रिंग बार टूल से आप नॉर्मली लेदर स्ट्रैप्स चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग बार टूल में ये यू शेप्ड एंड होता है, इसको स्प्रिंग बार पे रख के अंदर की तरफ पुश करने से स्ट्रैप निकल जाता है। तो भैया, मैंने ये वॉच रिपेयर टूल किट अमेजोन पे ही लिया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला हुआ है, बिकॉज इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप देखकर खरीद लेना। और दूसरी चीज़, इस वॉच को खरीदना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको मेरी तरह वॉच खोलने का कीड़ा है, तो 1000 रुपये में इज़ नॉट अ बैड डील। वैसे आप जानते ही, ये फैमिली 20K की होने वाली है, बस 200-300 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो हम 20K भी हो जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट दैट यू गाइस हैव गिवन मी। और इसी तरह के वॉच टिप्स ट्यूटोरियल्स वीडियोस में लाता रहता हूँ। यहाँ पे एक वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा देखने के लिए जिसमें मैंने बात करी है वॉच कलेक्शन टिप्स के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।